वजीरपुर से फरोज खान। कल वजीरपुर पुलिस ने चार लोगों को हथियार से गिरफ्तार किया है। इस मामले में हम पूरा मामला क्या है तो थाना प्रभारी से हम मिलते हैं और पूरी जानकारी आपको देते हैं। इस बार गिरफ्तार किया है, किस अपराध में गिरफ्तार किया है और ये कहाँ के हैं? पूरी 3/25 आर्मसेक्ट में गिरफ्तार किया है। एक हमारे थाने का HSA नेहरू जो पहले इनामी बदमाश भी था, उसकी कल जमानत हुई थी तो उसके साथ हमको सूचना मिली कि हथियारों को लहराते हुए बदमाश आ रहे हैं। इस सूचना पर हम गश्त करते हुए SR पेट्रोल पंप पर पहुंचे, वहां जब नाकाबंदी की हमने तो गाड़ी को रुकवाया। एक गाड़ी तो मौके से भाग गई जिसमें भागने वाले केशव नेहरू भमर और दिलखुश मीणा थे और जिनको गिरफ्तार किया है एक गाड़ी में उनके पास हथियार मिले हैं। उनमें टोलू उर्फ मुजाहिद पुत्र मुश्ताक खां गद्दी पापटा गद्दी का, दूसरा मेघ सिंह सनौप घोड़े मीणा निवासी मीना बड़ौदा, तीसरा लोकेश सनौप कैलाश मीणा वो भी मीना बड़ौदा का रहने वाला है और चौथा अमन सनौप समय सिंह मीणा निवासी टीकरी जाफरान महुआ जिला दौसा का रहने वाला है। चारों के पास से 2 कट्टे और कारतूस बरामद किए हैं और जो शेष रहे उनमें उनकी भी तलाश की जा रही है, उनको भी शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा और उनसे भी हथियार बरामद किए जाएंगे। अभी आप सुन पा रहे थे वजीरपुर थाना प्रभारी योगेंद्र शर्मा जी को, उनका सीधा सीधा कहना है कि अपराधियों में डर और आम जन में विश्वास। आगे की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।